नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष computerengineers.com से और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या क्या बेसिक सेटिंग्स करनी होती हैं अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट को चालू करना चाहते हैं। दोस्तों, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना बहुत आसान होता है, बट उसके बाद हमें बहुत सारी सेटिंग्स ऐसी करनी होती हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं करना। उसके बिना अगर आप वेबसाइट को चालू करते हैं, लंबे समय तक उसको रन करके रखते हैं, तो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम हो सकती हैं। दोस्तों, वैसे बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं जो एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे मैंने कुछ 8 सेटिंग्स को चूज़ किया है जिनको मैं यहाँ पर बारी बारी से आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जो सेटिंग हमको करनी है वो है साइट की आइडेंटिटी को चेंज करना, जिसमें हम साइट का टाइटल, टैगलाइन और टाइम जोन चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए हमें सबसे पहले सेटिंग्स में जाना पड़ता है और उसमें हम जनरल पर जाकर क्लिक करते हैं तो वहां पर हमको साइट टाइटल, टैगलाइन और टाइम जोन चेंज करने की परमिशन मिल जाती है। यह हम इसलिए करते हैं कि जब भी हमारी वेबसाइट गूगल पे सर्च होगी तो जो हम साइट का टाइटल डालेंगे या टैगलाइन डालेंगे वो वहां पर यूजर को सर्च रिजल्ट में दिखेगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी यहाँ पर वर्डप्रेस में लॉग इन करके रखा हुआ हूँ। दोस्तों, मैंने आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में बताया है, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सेटिंग्स में जाएंगे और जनरल पे जाएंगे। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे यहाँ पे साइट का टाइटल लिखा आ रहा है, तो यहाँ पे मैं साइट का टाइटल चेंज कर सकता हूँ जो कि भारत ब्लॉग लिखा हुआ है अभी। और यहाँ पे लिखा है टैगलाइन, जहाँ पर आप अपने ब्लॉग को डिफाइन करते हो। तो यहाँ पे मैं सपोज ले देता हूँ लर्न ऑल अबाउट वर्डप्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिफाइन करना है। उसके बाद यहाँ पर हम टाइम जोन चेंज कर सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो जो इंडिया का टाइम जोन है वो UTC+5:30 है, आप अपनी कंट्री के हिसाब से इसमें टाइम जोन चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, ये हमारी होगी पहली सेटिंग। दोस्तों, जो हमें दूसरी सेटिंग है वो है डमी कंटेंट को रिमूव करना। दोस्तों, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के बाद हमारे पास जब हम वर्डप्रेस को लॉगिन करते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें पहले से कुछ पोस्ट, कुछ पेजेस और कुछ कमेंट वहां पर मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हमको डिलीट करना जरूरी है, क्योंकि वरना वो पेज जो है वो हमेशा के लिए वहां पर रह जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि डमी कंटेंट जो है वो कैसे डिलीट करते हैं। तो हम पहले जाएंगे अपने डैशबोर्ड पर, यहाँ पे पोस्ट पे जाएंगे और ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी जो पोस्ट है पुरानी वो डिलीट कर दी थी, बट जैसे अगर कोई भी पोस्ट आपको डिलीट करनी है तो यहाँ पर आप जाकर पोस्ट के ऊपर जाएंगे और यहाँ से ट्रैश पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपकी जो पोस्ट है वो डिलीट हो जाएगी। या आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर मूव टू ट्रैश पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे जो मेरी वेलकम नाम की पोस्ट थी वो डिलीट हो गई है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ट्रैश में दो पोस्ट डली हुई हैं, क्योंकि मैंने इसके पहले जो डमी कंटेंट जो है हेलो वर्ल्ड वो मैंने डिलीट कर दिया था। अगर आप चाहें तो उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से दोनों रिस्टोर पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक कर दिया, और चाहूँ तो मैं एम्प्टी ट्रैश भी कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ रिस्टोर पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों, अब हम डमी पेज डिलीट करना देखेंगे। तो यहाँ पेजेस में जाएंगे, ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास अभी फिलहाल दो पेजेस हैं। मैं ऑलरेडी जो सैम्पल पेज नाम से एक सैम्पल पेज होता है उसको मैं डिलीट कर चुका हूँ, जो कि आप ट्रैश में देखेंगे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो सिंपल जिस तरीके से हम पोस्ट डिलीट करते हैं वैसे ही हम इसको भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास प्राइवेसी पॉलिसी है, अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो यहाँ पर मैं जाकर ट्रैश पे क्लिक कर दूंगा और आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्रैश में सैम्पल पेज नाम का डला हुआ है। मैं इसको चाहूँ तो इसको भी यहाँ से रिस्टोर कर सकता हूँ या डिलीट परमानेंटली पे क्लिक करके इसको यहाँ से परमानेंटली डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं फिलहाल यहाँ पे इसको रिस्टोर कर देता हूँ। और उसके बाद आखिरी चीज जो है वो है कमेंट्स। तो यहाँ पे आप कमेंट्स में आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट एक कमेंट भी दिख रहा है हमको यहाँ से। तो यहाँ पर इस कमेंट को डिलीट करने के लिए यहाँ पे ट्रैश पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, जो भी डमी कंटेंट है पोस्ट, पेजेस और कमेंट्स में, उन सभी में उसके आगे ट्रैश का एक बटन होता है, लिंक होती है, आप उस पर क्लिक करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा और ट्रैश पे जाकर फिर उसको आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। तो इस तरीके से जो डमी कंटेंट है वो हम डिलीट करते हैं। दोस्तों, जो हमें तीसरी चीज़ जो हमें करनी है वो है कि वेबसाइट जो है हमारी वो www से शुरू करनी है कि नहीं करनी है। जैसे मेरी जो वेबसाइट है computerengineers.com, उसको अगर आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें शुरू में www लिखा नहीं आता है। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है, इसमें कोई SEO इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोचें कि किसी वेबसाइट में www लिखा है तो वो वेबसाइट जल्दी गूगल पे आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
चलिए इसको हम देखते हैं कि इस सेटिंग को कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे डैशबोर्ड पर और यहाँ पर जाएंगे जनरल पर। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने ऑलरेडी www अलग करके रखा हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पे ये लगा भी सकते हैं, दोनों जगह लगा देंगे आप यहाँ पे www और उसके बाद यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे तो जो आपका वेबसाइट है, जो आपका ब्लॉग है, वो www के साथ में ओपन होगा। चूंकि मुझे यहाँ पे www नहीं चाहिए था वेबसाइट के आगे, तो मैंने यहाँ पर इसको बिना लिखे ही सेव करके रखा हुआ था। तो दोस्तों हमारी चौथी सेटिंग जो है इम्पॉर्टेंट, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है वर्डप्रेस में परमालिंक्स की सेटिंग्स। दोस्तों क्या होता है, जब हम कोई पोस्ट बनाते हैं या पेज बनाते हैं तो उसको एक्सेस करने के लिए जो URL होती है उसको हम बोलते हैं परमालिंक। मतलब हर पेज के लिए, हर पोस्ट के लिए एक परमानेंट लिंक होगी और वो जो लिंक होती है बाय डिफॉल्ट वो सर्च इंजन फ्रेंडली नहीं होती है, है ना। तो उसको सर्च इंजन फ्रेंडली बनाने के लिए हम परमालिंक में जाकर सेटिंग्स चेंज करते हैं। इसमें कई प्रकार की सेटिंग्स होती हैं जो हम देखेंगे अभी, और इसको चेंज करने के लिए हम सेटिंग्स में परमालिंक्स पे क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो वेबसाइट हैं, ये दोनों हमारी वेबसाइट हैं, जिसमें आप देखेंगे computerhandynotes.com और उसके आगे यहाँ पे व्हाट इज वर्डप्रेस एंड हाउ टू वर्क वर्डप्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या है, तो ये पोस्ट का URL है जहां पर आप देख सकते हैं कि ये पढ़ने में भी आपके लिए भी आसान है और ये सर्च इंजन फ्रेंडली भी है। वहीं पे हमारी जो दूसरी वेबसाइट है इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी लिखा हुआ है साथ में, तो मतलब क्या है, ये कैटेगरी है और उसके बाद ये पोस्ट का नाम है। ऐसे हम अपनी वेबसाइट में परमानेंट लिंक जो है वो पोस्ट और पेज के लिए वो चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड पर जाएंगे और यहाँ पे हम सेटिंग्स में, यहाँ पर परमानेंट लिंक्स लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कस्टम स्ट्रक्चर पे क्लिक किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट ये प्लेन पर रहता है। प्लेन पर रहने से क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम अपना ब्लॉग खोल लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास आप देखेंगे कि दो पोस्ट दिखा रहा है। मैंने हेलो वर्ल्ड पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यह लिखा है ?p=1। अब इसमें आपको कभी समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सी पोस्ट है जब तक आप इसका कंटेंट ना देख लें। अगर मैं दूसरी पोस्ट खोलता हूँ तो यहाँ पे लिखा है p=7, ठीक है, तो इससे कोई सेंस नहीं बनता है। बट इसकी जगह पे अगर जैसे हमारी वेबसाइट में जो URL है वो सर्च इंजन फ्रेंडली है और समझ में आती हैं, उसके लिए हम यहाँ पर इनमें से किसी का चुनाव कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। सपोज आप कोई न्यूज़ वेबसाइट बना रहे हैं जहाँ पर आपको डेली वीकली न्यूज़ अपडेट करनी होती हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर इनमें से किसी का चुनाव कर सकते हैं, है ना। अगर आप सिंपल पोस्ट का नाम दिखाना चाहते हैं URL में तो सिर्फ पोस्ट नेम पे क्लिक कर सकते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ कि किस दिन वो पब्लिश हुआ है और उसके बाद वहाँ पर कैटेगरी और पोस्ट, ये सारी चीज़ें लिखी आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने कहा कि यहाँ पे हम ईयर ले लेते हैं, फिर हम यहाँ लेते हैं मंथ, फिर लेते हैं हम डे, उसके बाद हम चाहते हैं कि कैटेगरी लिखी आए, फिर पोस्ट नेम लिखा है। पर दोस्तों जब इतनी बड़ी URL भी ठीक नहीं रहती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल इसको मैंने सेव चेंजेस पे क्लिक किया तो ये हमारी परमानेंट लिंक जो सेव हो चुकी है। अब अगर हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले आ रहा है ईयर, फिर मंथ, फिर डेट, फिर कैटेगरी और फिर पोस्ट का नाम। तो दोस्तों डिपेंड करता है, अगर आपकी न्यूज़ वेबसाइट बना रहे हैं तो ये भी ठीक है, चलेगा। बट मैं पर्सनली यहाँ पर जो डेट, मंथ, ईयर है ये नहीं रखता हूँ और यहाँ पर सिर्फ कर देता हूँ कैटेगरी और पोस्ट नेम। तो आपको बस सिंपल क्या करना है यहाँ पर कि जैसे आपने कस्टम स्ट्रक्चर पर क्लिक किया है और उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी और पोस्ट नेम, तो ये ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा, आपको यहाँ पे कुछ खुद से लिखने की आवश्यकता नहीं है। और उसको हम सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। अब अगर आप देखेंगे यहाँ रिफ्रेश करता हूँ मैं तो आप देखेंगे जो URL है उसमें अनकैटेगराइज्ड और वेलकम सिर्फ ये लिखा हुआ आ रहा है। दोस्तों तुम्हारी जो अगली सेटिंग है पांचवी, वो है यूजर रजिस्ट्रेशन। आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर कि आपकी वेबसाइट में क्या यूजर का रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है कि नहीं करवाना है। और अगर आपको करवाना है तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट रोल कौन सा रहेगा आपको वो भी डिफाइन करना पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये सेटिंग हम कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्डप्रेस में वापस डैशबोर्ड खोल लेंगे और यहाँ पे जनरल पे क्लिक करेंगे। ये यहाँ पे दो सेटिंग है, सबसे पहले यहाँ पे है मेंबरशिप में एनीवन कैन रजिस्टर। अगर इसको आप ऑन कर देते हैं तो आपकी वेबसाइट पे कोई भी रजिस्टर कर सकता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, मैं आपको दिखाने के लिए इसको इनकॉग्निटो में, इन प्राइवेट विंडो में मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अभी लॉगिन का बस आ रहा है, रजिस्टर का नहीं आ रहा है। बट अगर हम इसको वापस से
यहाँ पर जाकर डैशबोर्ड में एनीवन कैन रजिस्टर पर क्लिक कर देते हैं और सेव चेंजेस पर क्लिक करते हैं। और फिर यहाँ पे हम वापस से जो इनकॉग्निटो मोड है हमारा, इस पर हमने पेज को रिफ्रेश किया तो आप देखेंगे यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन आ चुका है कि मतलब आपके वेबसाइट में कोई भी रजिस्टर कर सकता है। अब कोई भी रजिस्टर करेगा तो उसके लिए क्या सेटिंग्स अप्लाई होंगी या क्या रोल मिलेगा उसको, तो ये वो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है सब्सक्राइबर, मतलब इसके पास कोई परमिशन नहीं होगी, बस ये पोस्ट को रीड कर सकता है और कमेंट कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट में, आपके ब्लॉग में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है, कोई वेबसाइट में आपके पोस्ट डालना चाहता है ब्लॉग में, तो वो आप यहाँ पे उसको कॉन्ट्रीब्यूटर डिफाइन करोगे, तो कोई भी यूजर जो है वो बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट में बाय डिफॉल्ट कोई रजिस्टर करे तो वो ऑथर बन जाए या एडिटर बन जाए या एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए। दोस्तों इन सब के पास अलग अलग पावर्स होती हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं, ऑप्शन रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर डिफॉल्ट रोल में हमेशा सब्सक्राइबर ही सिलेक्ट रहना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे हम सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं तो हमारी वेबसाइट में कोई भी रजिस्टर कर सकता है। दोस्तों हमारी छठवीं सेटिंग जो है, इंपॉर्टेंट सेटिंग जो है, वो है रीडिंग सेटिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब आपका वेबसाइट खोलते हो या आपका जो ब्लॉग खोलते हो तो उसमें फ्रंट पेज पे क्या दिखाना है वो सिलेक्ट करना है। और तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, या हम पोस्ट दिखा सकते हैं या पेज दिखा सकते हैं। तो अब चलिए देखते हैं इसको कैसे चेंज करते हैं। तो हम सबसे पहले डैशबोर्ड खोल लेते हैं और यहाँ पे हम रीडिंग पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ मैंने ऑलरेडी स्टैटिक पेज सिलेक्ट कर रखा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आपका जो ब्लॉग है उसमें बाय डिफॉल्ट, अगर मैं होम पेज पे आता हूँ इसके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अबाउट अस वाला जो पेज है वो खुल रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे सेव चेंजेस कर देता हूँ। हम चाहते हैं कि होम पेज पे हमारी जो लेटेस्ट पोस्ट है वो दिखें, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके सेव चेंजेस पे क्लिक किया। और आप यहाँ रिफ्रेश करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जितनी भी हमारी पोस्ट डली हैं, वेलकम, हेलो वर्ल्ड, वो सब यहाँ पे दिख रही हैं। तो जो रीसेंट पोस्ट होती है वो सबसे ऊपर आती है। पर अगर आप चाहते हैं कि इन पोस्ट की जगह पे पेज दिखे तो यहाँ पे आप स्टैटिक पेज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो सैम्पल पेज है वो होम पेज में दिखना चाहिए। अब मैं रिफ्रेश करके दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ पे जो सैम्पल पेज है होम पेज में वो दिख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम सेटिंग कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे पोस्ट डिफाइन किया है तो यहाँ पे आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी दिखानी है। तो दोस्तों हमारी जो अगली सेटिंग है वो है यूजर प्रोफाइल। दोस्तों जब हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था तो वहां पर हमने अपना ईमेल आईडी और वहां पे पासवर्ड डाला था और साथ में यूजर नेम डाला था कि किस तरीके से वर्डप्रेस में लॉगिन करेंगे हम आगे जाकर। बट हम चेंज करना चाहते हैं पासवर्ड, या फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना चाहते हैं, निक नेम चेंज करना चाहते हैं, ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं, या सोशल मीडिया प्रोफाइल चेंज करना चाहते हैं, तो वो सब हम कैसे करेंगे चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम डैशबोर्ड पर जाएंगे, यूजर्स के अंदर योर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल के रखा है, तो ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद पब्लिकली जब आपकी वेबसाइट में, ब्लॉग में कोई पोस्ट दिखेगा तो उस पोस्ट में क्या नाम दिखाना है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरा नाम, पूरा नाम दिखना चाहिए। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल सकते हैं हम अपनी, यहाँ पे वेबसाइट का नाम डाल सकते हैं, यहाँ पे अपने कुछ बारे में लिखना चाहते हैं और प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करने के लिए आपके यहाँ जनरेट पासवर्ड पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप नया पासवर्ड टाइप करेंगे और अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे तो आपकी पासवर्ड ही बदल जाएगा और जो आपने यहाँ पर चेंजेस किए होंगे वो सारे चेंजेस सेव हो जाएंगे। दोस्तों तो जो आखिरी सेटिंग है और इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो है पिंग लिस्ट। पिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जब आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे होते हैं और उसमें आप कोई ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप चाहते हैं कि जो आपकी ब्लॉग पोस्ट है वो सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू, अमेज़न, जितने भी सर्च इंजन हैं वो उसको इंडेक्स कर ले। इंडेक्स मतलब होता है कि गूगल को पता चल जाए कि ये आपने पोस्ट क्रिएट कर दी है। तो चलिए इसको देखते हैं कि सेटिंग को कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आप डैशबोर्ड खोल लेंगे और सेटिंग्स में जाएंगे राइटिंग के अंदर, और यहाँ पे आप देखेंगे अपडेट सर्विस में मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड पिंग सेटिंग्स हैं वो मैंने करके रखी हुई हैं। इन सभी यूआरएल की कॉपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, हालांकि इनके अलावा हमें बहुत सारी सेटिंग्स और भी करनी होती हैं, ये बस कुछ ही सेटिंग्स हैं। पर वर्डप्रेस में अगर आपने वेबसाइट बनाई है तो इन सारी सेटिंग्स को करना बहुत ही कंपलसरी है। तो इसके आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस में और क्या क्या चेंजेस करने होते हैं वेबसाइट को पब्लिक करने के पहले या वेबसाइट को लोगों तक पहुंचाने के पहले।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर कोई आपके मन में सवाल है तो आप मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल कंप्यूटर हिंदी नोट्स को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।